क्या कहेंगे? 25 साल पहले ये ट्रेन कोसली के नाम की ट्रेन थी, हरियाणा एक्सप्रेस, वाया कोसली जाती थी सिरसा तक और इधर दिल्ली तक जाती थी। और जब इसका काम पूरा हो गया था मीटर गेज का, तो ये ट्रेन लोगों की, सबकी, साथियों की, सब पॉलिटिकल और साथियों की ये मांग थी कि अपना रूट दोबारा से वापस मिले। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है इस रूट को वापस मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रयास से ये संभव हुआ कि रूट वापस मिला है। कोसली के लिए बिल्कुल जीवन रेखा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छी ट्रेन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम लोगों को और कोसली के व्यापारियों को भी इसका पूरा पूरा लाभ मिले। और बहुत बहुत बधाई, हरियाणा के बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, नीरज चोपड़ा ने। और आप देखेंगे ये भी एक बड़ा भारी कोइंसिडेंस है कि पहले भी 2008 में जो गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा लेके आया था, वो भी पानीपत से था, मेरा पुराना क्षेत्र है। और ये भी आपका नीरज चोपड़ा भी पानीपत से है, तो ये बहुत ही देश के लिए गौरव की बात है। और जब एक गोल्ड मेडल भी अगर मिलता है किसी देश को, तो उस देश का स्थान कहाँ नीचे था और कहाँ भारत का स्थान अब बहुत ऊँचा आ गया है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारी महिला हॉकी टीम को भी, पुरुष महिला टीम को भी, और जितने भी हमारे बॉक्सिंग में, कुश्ती में जितने भी हमारे खिलाड़ियों ने मेडल लिए, उन सबको बधाई के पात्र हैं। और आज भी, कल नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हमारे को और ज़्यादा खेलों की तरफ और ज़्यादा सबको मिल करके फोकस करना चाहिए, आने वाले समय में और ज़्यादा हम मेडल जीत करके लाएँ और देश का नाम आगे बढ़ाएं। सर, यहाँ 14 स्टेडियम है इलाके में, 14 स्टेडियम है, एक भी कोच नहीं है यहाँ। कुछ की व्यवस्था करा दें, बातचीत करके खंडर बने हुए हैं जी। मैं साहब को कहूँगा कि सारा व्यवस्था करके, और सरकार इसमें पूरा ध्यान देगी। इसमें बाईपास है, नगर पालिका है, एक कोसली ब्लॉक की मांग है, ये बार बार रह जाती है और विधायक जी बार बार मांग को उठाते हैं, इसमें आपका क्या? देखिए, कोई भी जो मांग आती है, कोई भी काम होता है, कोई काम की मांग उठती है, और जब कोई काम होता है सबका मिलजुल करके उसमें साझा होता है। आज भी जो काम हुआ है, सब जनता का भी उसमें साझा है, हमारे सब के साथ जैसे ये काम हुआ है। और विधायक जी कोई भी समस्या उठाते हैं, हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। मेरा भी प्रयास रहता है कोसली की कोई समस्या ना रहे, और जो बातें रखी उनको और ज़्यादा मुस्तैदी से उनको देख के उनको ठीक कर। और मैं तो धन्यवाद व्यक्त करूँगा माननीय सांसद महोदय जी का, अब उनके प्रयास से जो 25 साल पहले ये रोहतक डाइवर्ट हो गई थी ट्रेन, उसको रोहतक से इधर लाने में अपनी मशक्कत करी है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। अब उन्होंने इलाके की इस बड़ी डिमांड को पूरा किया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करूँगा, वो हर इलाके की समस्याओं को समझते हैं, उसी के हिसाब से उनका निवारण समय समय पर करते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाने वाला हो तो हमारे सांसद बहुत बड़े वकील बन के इस काम को किया है। आगे सांसद जी, एक सवाल है, हमारे विधायक जी बार बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं,